हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi K20 Pro के ग्लोबल स्टेबल अपडेट के बारे में, जो कि है MIUI 10 का 10.4.8.0, जो कि रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे यूजर्स को मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है और वो कस्टम रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या आपको इसके अंदर नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है Redmi K20 Pro और आज इसको हमने जो है लेटेस्ट अपडेट जो है ग्लोबल स्टेबल का, उसके साथ जो है हमने अपडेट कर रखा है। और उस अपडेट का जो वर्जन है वो है MIUI 10 का 10.4.8.0, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ माई डिवाइस में। ये देखिए, डिवाइस नेम MI फोन, डिवाइस मॉडल Redmi K20 Pro, MIUI वर्जन जो है 10.4.8.0, ग्लोबल स्टेबल वर्जन है जो कि एंड्रॉयड वर्जन 10 यानी एंड्रॉयड क्यू के ऊपर रन कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी पैच जो है आपको इसके अंदर 5th of September 2019 का मिलता है, जो कि लेटेस्ट है इस टाइम पे आपके फ़ोन के लिए। अगर ओवरऑल लुक्स की बात करें जाएँ तो मेजर UI में कोई चेंजेस नहीं है, ऐप वॉल्ट आपको अभी भी वही देखने को मिलता है, बट MIUI 11 का जो नया अपडेट आया है जो Redmi K20 Pro के लिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलेंगे। उस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि आप कैसे Redmi K20 Pro के अंदर MIUI 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो कैमरे की बात करें तो कैमरा एज इट इज आपको वही मिलता है, आपको AI मोड मिलता है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है कैमरे के अंदर। शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाती है। मगर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि वो है कि फिंगरप्रिंट जो है पहले से काफ़ी बेटर हुआ है, और साथ ही साथ जो फेस अनलॉक है वो भी पहले से काफ़ी इंप्रूव हुआ है और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। तो ये कुछ चीज़ें ने इसके अंदर नोटिस किए हैं। अगर थीम स्टोर की बात करें तो थीम स्टोर के अंदर आपको सिर्फ अभी दो ही थीम्स मिलती हैं, एक थर्ड थीम हमने इसके अंदर कस्टम थीम जो है इंस्टॉल कर रखी है, आपको डिफॉल्ट एंड क्लासिक थीम ही इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आप अपने MI अकाउंट में जाएं यानी माई अकाउंट के अंदर, तो उसके अंदर आपको कस्टमाइज थीम्स के अंदर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बूट एनिमोशंस, बूट ऑडियो वगैरह, जिनको आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पैनल का लुक अभी भी वैसा ही है, आपको इसके अंदर गेम स्पीड बूस्टर और मैनेज एप्स और फेसबुक क्लीनर, सॉल्व प्रॉब्लम्स या गेम स्पीड बूस्टर जैसे ऑप्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जहां पे आप गेम स्पीड बूस्टर के अंदर कोई भी अपनी गेम्स को ऐड कर सकते हैं। तो सेटिंग से मैं कुछ और चीज़ें भी आपको चेकआउट करा देता हूं कि आपको और क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। ओवरऑल जो है आपको पूरा का पूरा लुक जो है अभी MIUI 10 का ही इसके अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली ये एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है, बट आपको पूरा UI जो है MIUI 10 का ही देखने को मिलता है। अगर आप MIUI 11 एंड्रॉयड क्यू अपने फोन में रन करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने नीचे दे रखा है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन के अंदर, एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर आपको वही ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आप इनको अभी एडिट नहीं कर पाते हैं, जो कि आप MIUI 11 के अंदर कर पाते हैं। आपको मोर ऑप्शंस के अंदर वही क्लॉक्स मिलती हैं जो ऑलरेडी आपको MIUI 10 में के पाई वर्जन में ही देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीजें तो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। रेज टू वेक, डबल टैप स्क्रीन टू वेक के फीचर आपको मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट में वही तीन फॉर्मेट्स जो आपको मिलते हैं, जो आपको MIUI 10 पाई में भी देखने को मिलते थे। बाकी लॉन्च कैमरा और पॉकेट मोड आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। डिस्प्ले के अंदर जाएं तो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। डार्क मोड जो है आपको मिल जाता है, बट अभी भी आपको इसके अंदर जो ग्लोबली वाइड जो डार्क मोड है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको MIUI 11 के अंदर देखने को मिलता है, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। टेक्स्ट साइज को आप अभी भी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। स्टेटस बार के अंदर आप बैटरी इंडिकेटर आपको चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो UI में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही आपको MIUI 10 के पाई जैसे ही UI में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो एज इट इज़ थे। बस सिर्फ क्या है, OS जो है अपग्रेड किया गया है Android 10 क्यू के साथ। साउंड एंड वाइब्रेशन का पैनल एज इट इज़ वैसा वही है, आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को। नोटिफिकेशन में जरूर चेंजेस किए गए हैं, जैसे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बैजेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। वॉलपेपर में वही आपको डिफॉल्ट वॉलपेपर अभी आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा कोई वॉलपेपर है नहीं इसके अंदर। आपको वाइव वॉलपेपर मूवीज़ में आपको लाइव वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ से इजीली सेटअप भी कर पाते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जैसे कि मैंने बताया कि आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक और फेस अनलॉक पहले से बेटर काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट अनलॉक के अंदर आप जो है इसके एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को आप यहाँ पर एकदम न्यून, स्ट्रीट लाइट या पल्स जो भी आप रखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, जब भी आप फिंगरप्रिंट
जो सेंसर है उस पर टैप करते हैं, आपको एक एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उन एनिमेशन को आप यहाँ पे इजीली जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी इमरजेंसी SOS, इमरजेंसी अलर्ट्स वगैरह आप इसके अंदर देख पाते हैं। बैटरी एंड परफॉर्मेंस का लेआउट जो है ज़रूर चेंज किया गया है, आपको बैटरी सेवर मिल जाता है, बैटरी यूजर स्टेटस का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ है पहले से, तो ये कुछ चेंजेस आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। ऐप्स में आपको कैटेगराइज लिस्ट मिल जाती है, सिस्टम ऐप सेटिंग्स, मैनेज ऐप्स, ट्यूल ऐप्स, परमिशंस और ऐप लॉक, जिसके अंदर आप अपने एप्लीकेशंस को जाके लॉक भी कर सकते हैं। आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाएं तो आपको डेट एंड टाइम मिल जाता है, जिसमें आपको ड्यूल क्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, आप बटन या फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं और मिरर बटन्स को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, जिसमें आपको पूरी अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे स्क्रीन टाइम क्या रहा आपका, नोटिफिकेशंस कितने आपने रिसीव किए और कितनी बार फ़ोन को लॉक एंड अनलॉक आप कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स में आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे गेम टर्बो, क्विक रिप्लाइज, फ्रंट कैमरा इफेक्ट्स को जो आप चेंज कर सकते हैं, उनके विजुअल इफेक्ट्स को इनेबल डिसेबल या साउंड इफेक्ट्स को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और उनको चेंज भी आप यहाँ से ईजिली जाके कर सकते हैं। बाकी MI अकाउंट वगैरह आपको वही एज इट इज़ देखने को मिलता है, जाके बाकी कोई मेजर चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। टूल्स में जाएँ तो कैलकुलेटर आपको जो है पॉपअप वाला इसके अंदर मिल जाता है, जिसको आप कहीं पे भी ड्रैग करके रख सकते हैं और इजीली यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें हम बेंचमार्क स्कोर की, तो मैं बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा देता हूँ। बेंचमार्क स्कोर जो इसको मिलता है वो मिलता है 340695, जो कि ओवरऑल एक ठीक ठाक बेंचमार्क स्कोर है। अब पबजी को भी एक बार हम रन करके दिखा देता हूँ कि पबजी आप कौन से मोड पर खेल पाते हैं। तो ये देखिए पबजी को हम एक बार लॉन्च कर देते हैं यहाँ से। तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर पबजी का ग्राफिक पेज है, आप जो है ग्राफिक्स को HDR तक ले सकते हैं और फ्रेम रेट को एक्सट्रीम, अल्ट्रा या हाई पे खेल सकते हैं या मीडियम पे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाई के ऊपर खेलें, क्योंकि अदरवाइज आपका फ़ोन जो है बहुत हीटेड होता है और बैटरी भी आपकी बहुत ज़्यादा इसमें लो हो जाती है अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे इसके तक खेलने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। नीचे एक लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने आपको दो लिंक दिए हैं, एक कस्टम TWRP रिकवरी यूजर्स के लिए और एक जो स्टॉक यूजर्स हैं। स्टॉक यूजर्स जो हैं अपने सिस्टम अपडेट्स में जाएंगे, माई डिवाइस में सिस्टम अपडेट MIU 10 के लोगों पर 7-8 बार टैप करेंगे और उसके बाद चूज अपडेट पैकेज करके जो है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। बट इस टाइम पे आपको इसके अंदर एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अपडेट है ये बैचेस में रिलीज होता है। तो अभी फर्स्ट बैच में कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन का। तो आप उसको 2-3 दिन के बाद ट्राई कीजिएगा अगर आप चूज अपडेट पैकेज के थ्रू करना चाहते हैं। अगर आप कस्टम TWRP रिकवरी हैं, देन आप एक फाइल को सेव कर लीजिए जो कस्टम TWRP रिकवरी यूजर्स के लिए है, जो कि लिंक आपको मिल जाएगा कस्टम रिकवरी के लिए, उसको आपने सेव कर लेना है जो कि 2.33 GB का है। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, अपने फोन को स्विच ऑफ करके रिकवरी मोड पे बूट करेंगे या फिर आप माई डिवाइस में ही जाके सिस्टम अपडेट में इस मेनू को टैप करके रिबूट टू रिकवरी मोड कीजिए और रिबूट नाउ कर दीजिए। आप जो रिकवरी यूज कर रहे हो जैसे TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स, उसके ऊपर आपका फोन जो है बूट करेगा। हम इस टाइम पे अपने फोन के अंदर जो है ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज कर रहे हैं, तो मैं उसके थ्रू इस क्रोम को इंस्टॉल करूंगा। तो ये देखिए ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी जो है हमारे फोन के अंदर बूट कर चुकी है। आप वाइप पे जाइए सबसे पहले, WCache सिस्टम रूट वेंडर और डाटा को आप वाइप कर देंगे। इंटरनल स्टोरेज को आप वाइप नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी फाइल जो है वो भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद इंस्टॉल पे जाइए और जो आपकी जिप फाइल है उसको सेलेक्ट कीजिए और ये बिना किसी एरर के आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, नियर अबाउट 2-3 मिनट्स इसको इंस्टॉल होने का, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल होने का। उसके बाद आपको एक बार रीबूट सिस्टम करना है और अपने फ़ोन को सेटअप करना है और आप MIU 10.4.8.0, जो कि एंड्रॉइड Q यानी एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है, उसके सभी फीचर्स अपने Redmi K20 Pro के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको इंस्टॉल होने का। तो ये देखिए फाइनली हमारी zip फाइल इंस्टॉल हो गई है। हम एक बार रीबूट सिस्टम कर लेते हैं एंड दैट्स इट। अब आपने सक्सेसफुली एंड्रॉइड 10 का जो MIU 10 का 10.4.8.0 अपडेट है, ग्लोबल स्टेबल वर्जन, उसको अपने Redmi K20 Pro के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद अपने फ़ोन को सेटअप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर्स अपने K20 Pro के अंदर इंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो और ये रोम पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।